आए हैं अनवारुल मदीना मॉल, अनवारुल मदीना मूवन पिक जो होटल है उसके नीचे ही है, और गेट नंबर 328 से आप निकलेंगे तो यहाँ आ सकते हैं। हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं, देखते हैं अंदर चल के क्या है। हमने अबायाज लेने थे तो इसीलिए हमने सोचा कि चलते हैं देखते हैं अंदर कुछ हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो ये है जी मॉल, मैं बहुत हंट किया अबायाज के लिए, अल राशिद मॉल गए, उधर अल नूर गए, दे वर टू कॉस्टली। इसमें आप देखते हैं कि क्या कुछ है क्या नहीं। वो कॉस्टली भी थे लेकिन ये है कि जो हमें पसंद आते थे उनमें साइज नहीं अवेलेबल थे क्योंकि लास्ट डेज चल रहे थे। तो ये एक शॉप सामने ही है, इसमें से चेक करते हैं कुछ मिलता है या नहीं। साथ प्राइस नहीं लिखी हुई है, बस चलती चला रहे हैं जिसको जितने में काबू कर लें मुर्गे को वहीं पे फंस जाए। और सारे मोती सितारों वाले ये देखें, ये 736 ये है कि इनका कपड़ा ठीक है लेकिन ये इतने के हैं नहीं, बहुत ज़्यादा इन्होंने इनका रेट लगाया है जस्ट इस वजह से कि ये 5-स्टार होटल है। चलते हैं बाहर, ये ज़्यादा ही कॉस्टली बता रहे हैं। बस ये अब चलते हैं ऊपर नीचे, और तो कोई अब आया कि है नहीं, आई थिंक सो वो सामने एक और है, वहाँ से चल के देखते हैं कि कितने का है। चलते हैं इसके अंदर ये कितने का दे रहा है। हाँ तो कुछ खास नहीं पड़े और प्राइस 300, 350, 200, बस ये 300 से हैं, वो 90 और 150 रियाल्स के हैं। ये हमारी अब आया हंट चल रही है, ये 60 रियाल के हैं, ये 120 का है, कोई मज़ा नहीं आया। ये 120 रियाल्स का। अरे ना भाई, फिर हमें इस शॉप से कुछ भी नहीं मिला, देख देख के वापस आ गए हैं, आगे चलते हैं। ये है गोल्ड शॉप, ये है जी फोल्ड की रिंग्स, अच्छी पड़ी है, सिंपल रिंग। एक अपनी चॉइस, अपनी चॉइस के मुताबिक जिसको जो पसंद आए। ये है जी शॉप अनवारुल मदीना मूवन पिक में, अनवारुल मदीना मॉल में ये सेट पड़े हैं। These are pink cards. Ready?
चलते हैं जी आगे आगे दिखाते हैं क्या है। वो जी थी 760 की। इन्होंने यहाँ होने की वजह से ना फ़ायदा उठाया हुआ, रेट ज़्यादा लगाते हैं। आप लोकल मार्केट से गोल्ड लेना तो उसके नस्बत यहाँ का रेट ज़्यादा है। अभी चलते हैं ऊपर, ऊपर जा कर देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि इनकी एलिवेटर जोन सी है वो नहीं चल रही है। हमारे पास स्ट्रॉलर है बच्ची का तो हम ऊपर जा नहीं सकते, तो इस वजह से अभी चलते हैं बाहर। आगे चल के देखते हैं कहीं और से। नेक्स्ट ये हमने एक आए हैं जी इधर शॉप पे बाहर है इसके हरम के बाहर ये शॉप है, हम इस पर आए हैं। यहाँ पे ये रिंग्स पड़ी हैं, रिंग्स के जो प्राइस वो बता रहे हैं ये ओरिजिनल स्टोन्स हैं। These are gents rings और इनकी प्राइस वो बता रहे हैं किसी की 6,000 किसी की 1,000 1,200 रियाल्स नॉट इन पाकिस्तानी रुपीज। दे हैव डायमंड रिंग्स ऑल्सो, ये ओरिजिनल है इनके पास, ओपल एंड रूबी एंड ऑल द स्टोन्स। इनके पास ना ये स्टोन्स में भी हैं तस्वीर और ये इनके पास स्टिक्स पड़ी हैं इनके ऊपर भी, यहाँ स्टोन की कार्विंग हुई और ये अंदर भी स्टोन है। इफ़ यू कैन सी देखिए ये जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना ये दिस इज स्टोन। ये देखें स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो है सारे इसके अंदर, इस स्टोन के अंदर। पास ज्वेलरी भी है इस तरह की, और भी बहुत सी शॉप्स हैं जो हरम के बाहर हैं। सिल्वर आई डोंट नो कि आप ओरिजिनल प्लैटिनम है या नहीं है, ओरिजिनल तो नहीं है, गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी है ये सारी। इस शॉप से भी हमें कुछ भी नहीं पसंद आया। रिंग लेनी थी मेरी भाभी ने मेरे भाई के लिए क्योंकि उनकी बर्थडे है परसों, गिफ्ट करना था, जो कुछ भी नहीं पसंद आया। अभी हो गया जी ये इशा की अजान, हम मैं 329 गेट के पास अभी जा रहे हैं आगे कोर मार्केट, वो है तैयबा मार्केट। अजान सुन लें उसके बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। चलते हैं अब आगे देखते हैं।
इधर भी शॉप्स ऑलमोस्ट जो थी वो क्लोज हो गई हैं, कुछ हो रही हैं। ये है ताइबा स्वीट्स के नीचे, तो ये बस अजान के लिए अभी लोग बंद कर रहे हैं। ये देखें शॉप्स क्लोज हो रही हैं। ये आज हैं चांद रात के सीन्स, ये अभी चांद रात है यहाँ। और ये देखें जो लाइन यहाँ लगी हुई है एटीएम पे, सराफ ये लोग सब जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। काफ़ी शॉप्स अभी क्लोज हो चुकी हैं। ये है जी एक अबाया की शॉप, ये अभी क्लोज हो चुकी है। और ये उन्हीं की है ईवा कलेक्शन जो उधर थी। ये है जी एक गोल्ड शॉप, ये देखें इनके डिज़ाइंस। ओ मालिश मालिश।